चित्रकूट जनपद में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने सर्राफा व्यापारी रोहित अग्रवाल एवं शिक्षा अधिकारी नगर हर्ष पांडे के प्रयासों से सर्राफा मार्केट शंकर बाजार में नए पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि शंकर बाजार मोहल्ले से निरंतर व्यापारी द्वारा शिकायत की जा रही थी कि शाम होने के बाद इस क्षेत्र में अराजक तत्व द्वारा शराब पीकर अराजकता फैलाते हैं, जिससे लोगों का आवागमन बाधित होता है एवं व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी के दृष्टिगत जन सहयोग से इस पुलिस केंद्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी रहेगी ताकि आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा हो सके एवं व्यापारी सुरक्षा के वातावरण में अपना व्यापार संपन्न करा सके। इसी के साथ साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि के क्रम में पूरे सर्राफा मार्केट को कवर करने के लिए 360 डिग्री वाले कैमरा लगवाए गए हैं, जिनकी फीड पुलिस बूथ में प्रसारित की जाएगी, जिससे पूरे बाजार पर निगरानी की जा सके एवं किसी भी अपराध होने की फुटेज के माध्यम से दशा में जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके। जी, आज ये जो मुख्य बाजार है करबी चित्रकूट का, खासकर जहाँ पे सर्राफा बाजार स्थित है, वहाँ पर एक पुलिस बूथ की स्थापना हमने जन सहयोग से करवाई है और इस पूरे मार्केट को ऑपरेशन दृष्टि जो पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसके तहत पूरे मार्केट को सीसीटीवी कैमरा से भी कवर किया गया और उसकी जो ट्रांसमिशन है वो भी इस बूथ में हो रही है। तो हमें उम्मीद यही है कि यहाँ नियमित पुलिस की ड्यूटी रहेगी ताकि जो अराजक तत्व शाम होने के बाद यहाँ पे घूमते हैं और शराब का सेवन करते हैं, जिससे कि लोगों का आवागमन बाधित होता है, व्यापारियों का व्यापार बाधित होता है, उसको हम नियंत्रित कर सकेंगे। और यहाँ पे जिस तरह की निगरानी होगी, उससे कोई भी यदि लूट या चोरी की मंशा से इस बाजार में आता है तो उसको एक डिस्करेजमेंट मिलेगी कि यहाँ पे घटना ना की जाए, क्योंकि ये पूरा बाजार अब अच्छी निगरानी है। मैम, कितने सीसीटीवी कितने क्षेत्र में लगाया गया, कहाँ से इसको कनेक्ट किया गया, किस तरह से निगरानी बरती जाएगी? जी, यहाँ पे अभी 5 बहुत हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा 360 डिग्री रोटेशन वाले लगाए गए हैं, जिससे कि पूरा सर्राफा बाजार बंद किया गया है। इनका ट्रांसमिशन हमारे पुलिस बूथ में भी हो रहा है, इसके साथ साथ कोतवाली करबी में भी, और आगे चल के हम प्रयासरत हैं कि ऐसे जितने भी संवेदनशील सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पे हम जन सहयोग से कैमराज लगवाएं और उन सबका ट्रांसमिशन पुलिस कंट्रोल रूम में एक डिजिटल वॉल पे भी किया जाए, ताकि एक डायरेक्ट निगरानी हमारे कंट्रोल रूम में सदैव इन संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर बनी। मैम, पुलिस की कैसे तैनाती यहाँ पे, कितने लोग की तैनाती की जाएगी? जी, दिन के टाइम एक निरीक्षक रहेंगे और उनके अधीनस्थ एक हेड कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल रहेंगे, और रात के समय भी कम से कम 2 कांस्टेबल्स की ड्यूटी यहाँ पे रखी जाएगी।